भगवान ने जैसे हमें रिश्ते नाते और मर्यादाओं के बंधन में बांधे हैं, वैसे ही मोक्ष के रास्ते भी दिखाए हैं। ये रास्ते किसी सातवें आसमान से होकर नहीं, इसी धरती से होकर गुजरती है। नमस्ते, मैं हूँ आप लोगों की दोस्त श्वेता और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल श्वेता दुनिया में। कहते हैं मानव जीवन में जो सबसे बड़ा पुण्य हासिल किया जा सकता है वो है चार धाम की यात्रा की पुण्य। न इससे बड़ा कोई पुण्य है, न इससे महान कोई यात्रा। और आज मैं आ पहुंची हूँ इसी चार धाम के पावन धाम श्री नीलाचल जगन्नाथ पुरी में, और मैं अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ और आप सबके भावनाओं के साथ श्री श्री जगन्नाथ देव को सत सत नमन करती हूँ। हमें भगवान कृष्ण ने वचन दिया था, अच्छे लोगों के परित्राण, बुरे लोगों के विनाश और धर्म के संस्थापना के लिए वो युग युग में अवतार लेंगे। कलयुग में इसी वचन को निभाते हुए भगवान कृष्ण का हृदय सदा सदा के लिए प्रभु जगन्नाथ में बस गए। नीलाचल की ये धरती प्रभु श्री जगन्नाथ धाम के नाम से सदा सदा के लिए पूज्य हो गई। आत्मा से परमात्मा की यात्रा श्रद्धा की जिस पथ पर चलकर पूरी होती है उसका सबसे पावन अंश है चार धाम, जहाँ चार अवतारों में भगवान विष्णु पूजे जाते हैं। उत्तर में बद्री नारायण, दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारकाधीश और यहाँ पूरब में जगन्नाथ देव के नाम से भगवान विष्णु साक्षात विराजमान है। विष्णु के उपासक राजा इंद्रदम्ब को जब पता चला उनके उपास्य देवता श्री भगवान विष्णु नीलमाधव रूप में विराजमान है, तब उनको भी बहुत ही मन हुआ उनका वो रूप दर्शन करने का। राजा के कहने पर उनके भरोसेमंद सेवक विद्याधर नीलमाधव के खोज के लिए निकल पड़े। बहुत ही मेहनत के बाद विद्याधर ने भगवान नीलमाधव को ढूंढने में कामयाब हो गए, और जब वो राजा को आके ये खबर दिए तो राजा तुरंत उस गुफा की तरफ निकल पड़े। लेकिन जब वो रहस्यमयी गुफा में राजा पहुंचे तो वहां से नीलमाधव का जो मूर्ति था वो गायब हो चुकी थी। राजा बहुत ही हताश और दुखी हो गए और अनशन में बैठ गए। तभी भी उन्हें देवलोक से संदेश मिला कि पुरी के समुद्र तट पर वो जो लकड़ी तैर के आया है उसी से राजा नीलमाधव जी की मूर्ति बना ले। राजा बहुत ही खुश हो गए और तुरंत समुद्र तट पर पहुँचे और वहाँ से उन्हें वो लकड़ी का जो लकड़ी जो आए थे वो उनको मिल गया। क्योंकि भगवान नीलमाधव की मूर्ति किसी ने भी नहीं देखा था तो इसीलिए कोई भी मूर्तिकार नीलमाधव जी की मूर्ति नहीं बना पा रहे थे। लेकिन एकर्मा जी तब एक वृद्ध के रूप में आए और राजा से कहा कि मैं भगवान नीलमाधव की मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मुझे 21 दिन का समय देना पड़ेगा और इसी 21 दिन में आप एक बार भी नहीं देख पाएंगे कि मैं बंद दरवाजे के पीछे क्या बना रहा हूँ। राजा राजी हो गए और वो एक घर में अपने आप को बंद कर लिया विश्वकर्मा जी ने, और वहाँ पे मूर्ति बनाने लगे। 15 दिन के बाद रानी को बहुत ही मन हुआ कि वो क्या बना रहे हैं देखने का, और उन्होंने राजा से अनुरोध किया कि चलिए पीछे से हम भी थोड़ा देख लेते हैं कि उन्होंने क्या बनाया। जब भी उन्होंने देखा जाकर तो देखे कि वहाँ से विश्वकर्मा जी गायब हो चुके थे
और वहाँ पे आधा अधूरा मूर्ति बना हुआ था, और वही आधा अधूरा भगवान नील माधव जी की मूर्ति राजा ने मंदिर में स्थापित किया और वही श्री श्री जगन्नाथ देव के नाम से पूजित होने लगे। भी बाहरी किसी भी सुरक्षा के बिना ही ये 120 फीट की ऊंचाई पर कोई चढ़ता है मंदिर की ध्वजारोहण के लिए सिर्फ भगवान की नाम लेकर उनके भरोसे ही। मंदिर में हर जगह गूंजती है वो मधुर हरिनाम, जो नाम लेकर श्री श्री चैतन्य देव ने सबको अपना बना लिया था और खुद श्री कृष्ण में विलीन हो चुके थे। पुरानी मूर्तियों को बदल के नए मूर्ति तैयार करने की एक ही कारण दर्शाता है कि मानव जीवन में भी जब ये शरीर हमारा पुराना हो जाए तो आत्मा को एक नया शरीर धारण करना है। ईश्वर अपने कर्मों से हमें हर निर्देश दे देते हैं। तो भगवान को चार दीवारी में कभी नहीं बांधा जा सकता है, वो तो इन सृष्टि के कण कण में बसे हैं। वो ये नीले आसमान में भी है, वो ये विशाल समुंदर में भी है। मन की आंखों से देखें तो आपके अंदर में भी है, मेरे अंदर में भी है। हमारा मन तो उन्हें ढूंढता ही रहता है, मंदिर मंदिर की यात्रा करते रहते हैं उन्हीं के खोज में। ईश्वर के लिए हमारा ये खोज जारी रहे। मैं अपनी पूरी यात्रा की कहानी यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ मेरी ये यात्रा आप लोगों को पसंद आई होगी, और जगत के नाथ से मेरी एक ही प्रार्थना है कि आप सबका जीवन वो आनंदमय करे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय जगन्नाथ।